मैं बता दूं आपको, मोदी सरकार क्या कर रही है। मोदी सरकार श्रमिकों को गैग कर रही है, ट्रेड यूनियन का गैग हो रहा है, पर यहाँ रोजगार गिग इकोनॉमी में आ रहा है। गिग श्रमिक जो है, जो आपने गिनाया लाखों लोग गिग श्रमिक गिग अर्थव्यवस्था में काम करते हैं, बिल्कुल कोई भी आंकड़ा लीजिए वो कम है। तो राहुल जी ने कहा है हमारे पांच न्याय हैं, पांच न्याय के आधार पर ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया है। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय, श्रमिक न्याय। और श्रमिक न्याय में पहला बिंदु हमारी प्राथमिकता ये होगी कि गिग अर्थव्यवस्था में करने वाले युवाओं को सामाजिक सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया जाएगा, और उस कानून के तहत जो प्रावधान हमें करने हैं सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी के लिए, वो जरूर हम करेंगे। हो गया आज ना मसाला। आज देखने को मिला सर, राहुल गांधी सर यहाँ पर बैठिए, अभी जरा जाइए, अभी राखी पर छोड़ा सर। बंगाल में राहुल गांधी घुसने जो दिखाई दिया कि उनका जो कॉन्वॉय का गाड़ी तो शीशा टूट गया, इस विषय को लेकर आप क्या बोले? रस्सी से टूट गया सर, बिहार में टूटा था, हम तो गाड़ी में बैठे। देखिए मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल, सभी जगहों में कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं है, सभी जगहों में छोटे मोटे ऐसे चीजें होते हैं, हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे पोस्टर फाड़े गए थे जलपाईगुड़ी में, आज शीशा टूटा गया है, पर ये चलता रहता है। इससे भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुकेगा नहीं, इससे इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं होगा। जो लोग इंडिया गठबंधन को कमजोर करने में लगे हुए हैं, मैं उनको साफ कह देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकारा है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना उनकी भी प्राथमिकता है, इतनी ही प्राथमिकता है उनके लिए जितना कि हमारे लिए। एक मिनट, अरे बाबा एक मिनट, खत्म तो करने दीजिए। तो इंडिया गठबंधन मजबूत है, इंडिया गठबंधन, मैं आपको एक चीज बताऊं, बार बार यह सवाल उठता है इंडिया और एनडीए के बीच में क्या फर्क है। मैं कन्हैया की भाषा इस्तेमाल करता हूं, इंडिया में दो आई है, वो इंडिया से वो दो आई निकालो तो एनडीए बन जाता है। दो आई क्या है? इंसाफ और इंसानियत। इंसाफ और इंसानियत को इंडिया से हटाइए तो वो एनडीए बन जाता है ना। तृणमूल इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पे है, तृणमूल कांग्रेस इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पे है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय राजनीति के लिए है, ये किसी राज्य सरकार या विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं है। ये इंडिया गठबंधन बनाया गया है लोकसभा चुनाव के लिए। हमारे मतभेद होते रहते हैं इंडिया गठबंधन के घटक दलों से। एक मिनट, खत्म तो करने दो यार, खत्म तो करने दो। हमारे मतभेद हो सकते हैं और हैं, मैं उससे भागने वाला नहीं हूं, पर इंडिया गठबंधन सभी को याद रखना चाहिए, कांग्रेस वासियों को भी याद रखना चाहिए। सर मालदा में सुनिए, सभी पार्टियों को याद रखना चाहिए, इंडिया गठबंधन का मकसद बीजेपी को 2024 के लोकसभा में चुनाव में हराना।